72 साल के बाद पहली बार रांची में इस साल नहीं होगा रावण दहन। नमस्कार, आजाद सिपाही बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। साल 1948 से रांची में शुरू हुआ रावण दहन 72 सालों के बाद पहली बार आयोजित नहीं होगा। देश के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से रांची पहुंचे पंजाबी परिवारों ने रावण दहन की परंपरा की शुरुआत की थी। उस वक्त यहां के खिजूरिया तालाब स्थित गोसनर कॉलेज कैंपस के रेफ्यूजी कैंप में 12-15 पंजाबी परिवार रहते थे जिन्होंने रावण दहन की शुरुआत की थी। इसके बाद से लगातार हर साल रावण दहन किया जाने लगा, लेकिन कोरोना के चलते इस साल रावण दहन पर रोक लग गई है। पंजाबी हिंदू बिरादरी के प्रवक्ता अरुण चावला ने बताया कि रांची में 10 से 12 जगहों पर रावण दहन किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा और भव्य रावण दहन रांची के मोरहाबादी मैदान में होता है। यहां रावण के पुतले की ऊंचाई 65 फीट जबकि मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 60 फीट और कुंभकर्ण के पुतले की ऊंचाई 55 फीट होती है। उन्होंने बताया कि मोरहाबादी मैदान में आयोजित सबसे बड़े रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होते हैं। मोरहाबादी के बाद सबसे भव्य रावण दहन रांची के अरगोड़ा चौक पर होता है।